तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए आज की बेहद ही बड़ी और ताजा खबरें, जिन्हें आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों इन सभी खबरों में हम जानेंगे, एक बार फिर लग सकता है पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन, मोदी सरकार कर रही है बड़ा विचार, इन राज्यों में एक बार फिर से लगेगा सख्त लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूरे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए मोदी सरकार एक बार फिर से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर सकती है और इस दिन से पूरे देश में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है। तो दोस्तों जानेंगे आखिरकार किन किन राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन ये एक बार फिर से लगेगा और आखिरकार कब से लगेगा। तो दोस्तों इस पूरी खबर को जान लीजिएगा, वरना एक बार अगर पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया तो आपको यहाँ पर बड़े नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि एक बार संपूर्ण लॉकडाउन लग जाने के बाद आपके यहाँ पर कई काम धंधे रुक जाएंगे, आपको यहाँ पर बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों जानेंगे आखिरकार कहाँ पर और कब से आखिरकार लॉकडाउन पूरे देश में लगने वाला है, सारी जानकारी देंगे हम आपको आगे वीडियो में, बस आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए दोस्तों। साथ ही दोस्तों अब यहाँ के लोगों को मिलेगी बिजली एकदम फ्री, इस राज्य सरकार की ओर से हो चुकी है बड़ी घोषणा, कीमतों में होगी भारी कटौती, सबको मिलेगा पूरा लाभ। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको इस राज्य सरकार की ओर से बड़ी घोषणा करते हुए सभी गरीब भाइयों, महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए सस्ती बिजली देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों जानेंगे आखिरकार ये कहां पर आपको सस्ती बिजली मिलेगी और कैसे मिलेगी, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, किन किन लोगों को मिलेगी, ये पूरी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अब किसानों और पशुपालकों को मिलेंगे 4.5 लाख रुपए, ये रहेगी पूरी प्रक्रिया। गाय, भैंस और बकरी खरीदने के लिए मिलेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पशुपालक हैं या फिर किसान हैं और आपको भैंस खरीदना है, गाय खरीदना है, बकरी खरीदना है, तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब इन सभी जानवरों को खरीदने के लिए मोदी सरकार आपको 4.5 लाख रुपए तक का फायदा दे रही है। तो दोस्तों आखिरकार ये कैसे आपको लाभ मिलेगा, हम आपको इसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो में देंगे। तो अगर आप भी एक किसान है या फिर आप भी चाहते हैं कि आप भी गाय खरीदें, भैंस खरीदें या फिर बकरी खरीदें, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एकदम फ्री में मोदी सरकार 4.5 लाख रुपए इस काम के लिए दे रही है। तो दोस्तों इस पूरी खबर को जान लीजिएगा जो कि आप ही के फायदे के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास भी है एयरटेल, जियो या फिर आइडिया का सिम कार्ड, तो आ चुकी है बड़ी खबर, अब आपको होने जा रहा है बड़ा नुकसान, ऐसे बचाएं खुद को। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास भी एयरटेल, जियो या फिर आइडिया का सिम कार्ड है, तो अब आपके लिए यहां पर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, अब आपको यहां पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हां दोस्तों, बता दें एयरटेल कंपनी की ओर से बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द इंटरनेट इस्तेमाल करने और फोन पर बात करने की कीमत अब आपकी बढ़ने वाली है, यानी कि आप जो महीने का रिचार्ज कराते हैं और सीधे सीधे आपका महंगा कर दिया जाएगा। दोस्तों ये कौन सी कंपनी का महंगा होगा और कब से आखिरकार ये महंगाई होने जा रही है, हम आपको पूरी जानकारी आगे वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम अपनी मुख्य खबरों की ओर बढ़ें, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दिया करिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों पहली खबर, अब यहां के लोगों को मिलेगी सस्ती बिजली, बिजली के बिलों में होगी भारी कटौती। अगर आप भी हैं इस राज्य से तो जान लें पूरी खबर को, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, बता दें अगर आप भी इस राज्य से हैं तो आपके लिए यहां पर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री की ओर से अब बिजली को सस्ता करने का प्लान बना लिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बताते हैं यहां पर अब आपको बिल ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस राज्य की सरकार बिजली को सस्ता करने जा रही है। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर जानने के लिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, ताकि आपको इस खबर के बारे में पता चल सके और आप इस सस्ती बिजली का लाभ उठा सकें। दरअसल दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम की ओर से बताया जा रहा है कि अब सरकार जो है वो बिजली की कीमतों को कम करने का विचार कर रही है, यानी कि अब सीधे सीधे आपका जो बिजली का बिल हर महीने 250 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए आता है, वो सीधे सीधे आपका आधा हो जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो आपका बिजली का बिल अब सस्ता होने जा रहा है। बिजली अब आपको काफी सस्ते दामों पर मिलेगी और आप जितना चाहें उतना आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बिजली को फ्री नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर गरीब भाइयों को थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन फिर भी जहाँ पर आपको पहले 500 रुपए बिजली का बिल आता था, अब मात्र आपको 200 या 250 रुपए ही बिजली का बिल आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले अभी खबर आई थी कि बिहार, झारखंड और दिल्ली की सरकारें भी वहाँ के कुछ लोगों का बिजली का बिल माफ करने जा रही हैं। तो इन राज्यों में से आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, किसी भी राज्य से हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में बता सकें आखिरकार आपके राज्य में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और आप उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसके अलावा दोस्तों हम आपके लिए इसी प्रकार की और भी बड़ी और काम की खबरें लेकर आए हैं, जिन्हें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आपने इन खबरों को नहीं जाना तो आने वाले दिनों में बड़े नुकसान आपको हो सकते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो क्यों ना आज ही इन खबरों को जान लीजिए, ताकि आपको बाद में पछतावा भी ना हो
और आप इन सभी मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा उठा सकें। दोस्तों इन सभी खबरों को जानने के लिए बस आप वीडियो को आखिर तक और ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों अगली खबर किसानों और पशुपालकों के लिए आई अच्छी खबर। अगर आप भी पालना चाहते हैं कोई भी पशु चाहे गाय हो भैंस, तो आपके लिए मोदी सरकार दे रही है 4.5 लाख रुपए। जानिए पूरी खबर, कैसे मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप भी पशु पालना चाहते हैं यानी जानवर पालना चाहते हैं, चाहे गाय हो भैंस हो बकरी हो भेड़ हो कोई भी जानवर अगर आप पालना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अब मोदी सरकार 4.5 लाख रुपए देगी। यानी पशुओं को पालने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा लाभ मिल रहा है। दोस्तों ये यहाँ पर पूरी तरीके से फ्री में मोदी सरकार आपको 4.5 लाख रुपए तक का लाभ दे रही है पशुओं को खरीदने के लिए। दोस्तों क्या है योजना, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो को बने रहिए ताकि आपसे ये खबर छूटे नहीं और आपको पूरी जानकारी मिल जाए। जी हाँ दरअसल दोस्तों बता दें, मोदी सरकार की ओर से ये एक नई योजना चलाई जा रही है जिसमें किसानों को पशु क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4.5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसके तहत आप अपना गाय खरीद सकते हैं, अपनी भैंस खरीद सकते हैं, जो भी जितने भी आप गाय भैंस चाहते हैं खरीदना उतनी आप खरीद सकते हैं। और बाद में आप उस पैसे को यानी कि जो मोदी सरकार से आपने 4.5 लाख रुपए लिए हैं, जैसे ही आपका यहाँ पर कमाई होने लगी दूध बेचने से, जिस भी प्रकार से आपकी कमाई होने लगी, बाद में आप उन पैसों को मोदी सरकार को वापस लौटा सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक पशु बीमा योजना भी मोदी सरकार की ओर से चलाई जा रही है जिसमें आपको कई सारे लाभ दिए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये कहाँ कहाँ के राज्यों के लिए चलाई जा रही है, तो आपको बता दें हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड समेत कई ऐसे तमाम राज्य हैं जिनके लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो आप किस राज्य से हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं ताकि आपको भी इस योजना का लाभ मिल सके। दोस्तों अगली खबर, फिर लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन, सरकारें लेने जा रही हैं बड़ा फैसला। जानिए आपके राज्य में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, मोदी सरकार एक बार फिर कर सकती है बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों बता दें, पूरे देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, अब रोजाना 80,000 से अधिक कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों बता दें, मोदी सरकार की ओर से एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है कि पूरे देश में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है, यानी टोटल लॉकडाउन लगेगा, किसी भी तरीके की कोई भी सेवा नहीं चलेगी, पूरी तरीके से सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जानेंगे आखिर कहां कहां पर ये लॉकडाउन लगने जा रहा है और क्या आपके राज्य में भी ये लॉकडाउन लगेगा, लगेगा तो कब से लगेगा और कब तक के लिए लगेगा, जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए ताकि आपको ये जानकारी पता चल सके और आप पहले से ही इसके लिए तैयारी कर सके, वरना बाद में आप हाथ मलते रह जाएंगे और पूरे देश में अगर लॉकडाउन लग गया तो आपको यहां पर बड़े बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। जी हां दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक बार फिर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पूरे राज्य में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोजाना कोरोना के नए मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से गहरी चिंता भी जताई गई है और यूपी सरकार को फटकार भी लगाई गई है कि पूरे राज्य में लॉकडाउन लागू करें ताकि कोरोना के मामले कम हो सके। दोस्तों यहां पर एक बार फिर से शनिवार से पूरे राज्य में लॉकडाउन लगने जा रहा है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आखिरकार आप किस राज्य से हैं, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आपके राज्य में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो आखिर कब से लगेगा, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या एक बार फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लगना चाहिए, जिस प्रकार से तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है, देश में अब तक कोरोना के 32 लाख से अधिक मरीज पहुंच चुके हैं, तो क्या एक बार फिर से मोदी सरकार को पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप अपनी जरूर राय बताइएगा दोस्तों, हाँ या ना में आंसर जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर, अगर आपके पास भी है जियो आइडिया या फिर एयरटेल का सिम तो हो जाइए सावधान, अब एयरटेल कंपनी महंगा करने जा रही है इंटरनेट और बात करने की सुविधा का पैसा, आम आदमी को लगेगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों बता दें, अगर आपके पास भी एयरटेल का सिम है, जियो का सिम है, आइडिया का सिम है, तो आपके लिए यह खबर जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको यहां पर बड़े झटके लगने जा रहे हैं। दोस्तों बता दें, अब एयरटेल की कंपनी जितने भी इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले ग्राहक हैं, चाहे मोबाइल फोन पर बात करने वाले ग्राहक हैं, उनको अब यहां पर महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, एयरटेल कंपनी की ओर से बताया जा रहा है कि अब आपको इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए, बात करने के लिए, किसी से भी बात करने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। ऐसे जहां पर आप केवल पहले 150 रुपए में एक महीने तक रोज 1 GB डेटा लेते थे और फ्री में बात करते थे, अब दोस्तों आपको केवल वो 1 GB डेटा एक महीने के लिए ही मिलेगा और कुछ ही मिनट मिलेंगे, यानी कुछ ही मिनट मिलेंगे, आप ज्यादा बात भी नहीं कर पाएंगे, और 160 रुपए में केवल आपको 1 GB डेटा एक महीने तक के लिए मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर आपके लिए महंगाई होने जा रही है, एयरटेल कंपनी की ओर से ये बड़ी घोषणा कर दी गई है। आपके पास कौन सी कंपनी का सिम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि आप अपने आप को इस नुकसान से बचा सकें। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों, अब जिनके घर पे है LPG गैस सिलेंडर उनके लिए आ चुकी है बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगी इतने रुपए की छूट, जान लीजिए पूरी खबर वरना होगा बड़ा नुकसान।
जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आपके घर पर भी LPG गैस सिलेंडर है तो आपके लिए यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि अब आपको यहाँ पर बड़ी छूट मिल सकती है, जहाँ पर आपको 700 रुपए 800 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर अब आपको मात्र 600 रुपए या फिर 500 रुपए में ही मिल जाएगा। दोस्तों ये छूट आपको कैसे मिलेगी, जहाँ पर आपको 200 से 300 रुपए की एक बड़ी छूट मिलेगी, जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों बता दें अगर आपके घर पर भी सबसे पहले गैस सिलेंडर है तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, तेल कंपनियों ने अब गैस के दाम घटा लिए हैं, जिसको देखते हुए तेल कंपनियों की ओर से बताया जा रहा है कि अब आपके घर पर आने वाला गैस सिलेंडर की कीमत कम हो जाएगी, यानी सीधे सीधे 50 रुपए गैस सिलेंडर की कीमत अब घटा दी जाएगी। जो गैस सिलेंडर पहले 800 रुपए में मिलता था, अब वो 750 रुपए में मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग में 50 रुपए का फायदा होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपके घर पर भी गैस सिलेंडर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस कंपनी का है, HP का है, भारत गैस का है या फिर इंडेन का है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।